राजस्थान के 12 ब्लॉक छपड़ा उपखंड अधिकारी को सेकंड ग्रेड भर्ती रद्द एवं आगामी परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें जानकारी देते हुए बताया गया कि सीआरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती रद्द एवं सीबीआई जांच आगामी परीक्षाओं की पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए, रासुका कानून का पालन किया जाए, आरपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जांच की जाए और जो जांच में दोषी पाया जाए उसे निलंबित भी किया जाए और योग्य एवं ईमानदार व्यक्ति की नियुक्ति की जाए। युवा सविनय नम्र निवेदन है कि हम सब बेरोजगार सरकार से न्याय मिल सके उसकी शांतिपूर्ण मांग करने आए हैं। आप भी सब कुछ मामलों एवं सच्चाई से परिचित हैं तो श्रीमान जी आपसे निवेदन है कि हमारी मांगों को गंभीरता से लिया जाए। प्रयागराज में गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम तट पर माघ मेला शुक्रवार को पौष पूर्णिमा स्नान के साथ शुरू हो गया। एक महीने तक संगम की रेती पर कल्पवास का संकल्प लेकर लाखों कल्पवासी गुरुवार को प्रयागराज पहुंचे। यहां आगमन के साथ ही कल्पवासियों ने तीर्थ पुरोहितों के शिविरों में डेरा डाला और पूरे महीने ईश्वर की आराधना का संकल्प लिया। माघ मेले की तैयारियों को गुरुवार को नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने संगम नगरी पहुंचे और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। पौष पूर्णिमा के पहले स्नान से शुरू माघ मेला अब 18 फरवरी को महाशिवरात्रि तक चलेगा। कल्पवासी 5 फरवरी को माघी पूर्णिमा तक प्रयागराज में रहेंगे। 650 हेक्टेयर में फैले मेले में कल्पवासियों के लिए अलग अलग सेक्टर में तंबुओं की नगरी बसा दी गई है। इन शिविरों में कल्पवासी एक महीने तक तप करेंगे, एक वक्त भोजन, 3 वक्त स्नान और दिन भर हरि भजन। कल्पवासियों की यही दिनचर्या रहेगी। मेले की तैयारियों को लेकर प्रशासन ने सभी बंदोबस्त कर लिए हैं। श्रद्धालुओं के आवागमन को ध्यान में रखते हुए 5 पॉन्टून पुल बनाए गए हैं। हर सेक्टर में 2 घाट का निर्माण किया गया है। वहीं 2 घाट नैनी अरेल की ओर भी बनाए गए हैं, जिससे श्रद्धालुओं को स्नान में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सहारनपुर थाना चिलकाना क्षेत्र में 3 शातिर चोर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने उपरोक्त अभियुक्तों से 76,000 नगद, ज्वेलरी, एक मोटरसाइकिल सहित एक तमंचा और जिंदा कारतूस और 2 चाकू बरामद किए। ये जानकारी आज पत्रकारों को एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक द्वारा दी गई। थाना क्षेत्र में पिछले एक महीने से चोरी की घटनाओं के बारे में वारदात के बारे में सूचना मिल रही थी, तो उस सूचना पर काम करते हुए पुलिस ने ये 3 चोर, ये बहुत शातिर चोर हैं, लगातार पठेड़ चौकी एरिया में और आसपास चिलकाना थाना क्षेत्र में इन्होंने चोरी की है। एक महीने पहले भी एक चोरी करी थी और इस हफ्ते में भी 2 चोरी इन्होंने चोरी को अंजाम दे दिया था। तो ये गौरव आसिफ और तीसरे हैं मोहित, ये तीनों चोरों की जो टोली है इनको कल चिलकाना पुलिस ने पकड़ लिया है और इनके पास से अच्छी खासी बरामदगी हुई है। काफ़ी सोना चांदी का सामान मिला है इनके पास से, जो उन्होंने घर से चोरी की थी। करीब 76,000 का कैश मिला है, एक मोटरसाइकिल मिली है और असला भी मिला है इनके पास से। उसकी जानकारी की जा रही है। सहारनपुर के कोर्ट रोड पर आज नगर निगम प्रशासन के द्वारा अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया गया। नगर निगम की टीम के द्वारा अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी गई कि अगर दोबारा अतिक्रमण किया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। टीम का नेतृत्व कर रहे कर्नल बीएस नेगी ने कहा कि कोर्ट रोड सहारनपुर का व्यस्त था मेन बाजार है और यहाँ पर लगातार अतिक्रमण की शिकायतें मिल रही थी, इसको लेकर आज नगर निगम की टीम के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है। साथ ही इससे सड़कों पर लगे होल्डिंग्स भी हटाए गए हैं क्योंकि इनसे घटनाएं घटने का अधिक खतरा रहता है। कचहरी पुल से और कलेक्ट्रेट तक का ये प्रोग्राम आज हमने बनाया था। बार बार शिकायतें आ रही थी कि इस रास्ते में जो है काफी भीड़ भाड़ रहती है, लोगों को जो है आने जाने में प्रॉब्लम होती है, तो इसकी हमने पूर्व में चेतावनी 2 बार हमने कर दी थी। सुबह भी प्रोग्राम करने से पहले एक बार हमने अनाउंसमेंट करके फिर चेतावनी लोगों को दिया कि जो भी आसपास में आपके जो लोगों ने अतिक्रमण किया रहता है, अपना सामान बाहर रखा रहता है वो न रखें, और जो परमानेंट टाइप का कोई भी अतिक्रमण था या रास्ते में जैसा भी बिजली के खंभे का पोल एक था उसका कुछ पोर्शन बाहर निकला था जिससे कि एक्सीडेंट की संभावना हो सकती थी, उसको भी हमने निकाल करके उसको ट्रॉली में डाल दिया। ये प्रयास हमेशा हमारा चलना चाहिए, ये कहना कि अतिक्रमण बार बार हो जाता है ये समझते हैं क्योंकि लोगों की कईयों की जीविका से संबंधित होता है, तो थोड़ा बहुत रेडिया आ जाती है सड़क पे, लेकिन हम बार बार उनको चेतावनी देते हैं कि सड़क पे न है ताकि
किसी भी प्रकार का यातायात या लोगों को किसी भी प्रकार से प्रभावित न करें। सहारनपुर में भूतेश्वर मंदिर रोड पर पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अवि मुक्तेश्वरानंद का हुआ भव्य स्वागत। सम्मान पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि सहारनपुर पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अवि मुक्तेश्वरानंद का आज सहारनपुर के भूतेश्वर मंदिर रोड पर कारोबारी सागर गुप्ता के आवास पर उनके भक्तजनों ने भव्य स्वागत और सम्मान किया, साथ ही उनकी पूजा अर्चना की। मीडिया से मुखातिब होते हुए जगत गुरु स्वामी श्री अवि मुक्तेश्वरानंद ने हिंदू सेंसर बोर्ड, भारत जोड़ो यात्रा, कॉमन सिविल कोड व जनसंख्या जैसे मामलों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए, सहारनपुर जो स्थान है वो पूरे देश में माता शाकुंभरी देवी जी के कारण जाना जाता है। हम भी माता शाकंभरी के दर्शन के लिए दिल्ली से चलकर यहाँ आए। आज यहाँ से माता शाकंभरी के दरबार में जा रहे हैं। कल उनका पावन आविर्भाव महोत्सव वहाँ पर मनाया जा रहा है, उसमें हम सम्मिलित होंगे। गुरुजी, एक मूवी को लेकर, एक बॉलीवुड में लगातार जो है भगवा रंग को लेकर एक विवाद चल रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? पठान मूवी में एक बिकनी पहनकर दीपिका पादुकोण ने शूट किया है गाना, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, बात यह है कि केवल एक मूवी की बात नहीं है। अब तो हालत यह है कि लगभग हर मूवी में हम सनातन धर्मियों को टारगेट किया जा रहा है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।